मॉर्निंग। इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था और वहाँ पे चार्जिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं था। और हम नैनीताल के लिए निकल गए हैं, निकलना कल था बट कोई नहीं, तू निकलने पहले। तो अभी हमने चाय ली है कूलर वाली और मैगी खाएंगे। और पहाड़ों में जाओ और मैगी ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमने सोचा मैगी खाते थोड़ा बहुत, फिर नैनीताल में देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं। तो पंकज जी, अरे भी न्यूज़पेपर पढ़ा मसूरी में तो बर्फ गिर रही, नैनीताल में उतर नहीं गई। सोच रहे हैं अगर हम पहुंचे नैनीताल बर्फ गिर जाए तो मज़ा आ जाए। आज जा रहे हैं मम्मी मौसी के साथ, उन्होंने भी नहीं देखा था, हमने तो खैर लास्ट ईयर थोड़ा घूम लिया था बट वो भी घूम लेंगे, हम भी थोड़ा सा। अब क्योंकि घर में ही 3 दिन हो गए हमें, है ना, घर पे। यस, हम कहीं बाहर मतलब गए हैं बट वैसे नहीं गए ना घूमने टाइप से। हम मंदिर गए थे परसों, आज घूमते हैं थोड़ा सा, बोटिंग वोटिंग करेंगे। तो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म मैगी और गर्मा गर्म चाय। कैसी है? स्पाइसी नहीं, कोई नहीं, अभी मैगी के मजे लेते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। I'm
सो नाउ वी हैव रीच्ड इन नैनीताल और ये आपको ये नैनी लेक दिख रही होगी जो बहुत ही फेमस है और जिसके नाम पर ही नैनीताल का नाम रखा गया है। और ये माल रोड के साइड का सीन है जिसके बगल में ही ये लेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। हाय, तो हम पहुंच गए हैं नैनीताल और ये पॉइंट है सबसे पहला हिमालय का, जहाँ दूर से हिमालय की चोटी दिख रही है, इस टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो हम इससे देखेंगे, उससे बिल्कुल क्लियर दिखेगा। हमने गाड़ी करी थी चार लोगों ने और 2200 चार्जेस है, तो हमें वो 7 पॉइंट दिखाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है हिमालय, तो पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद 6 पॉइंट देखते हैं क्या चीज़ है। तो 4-5 घंटे में नेपाल। हाँ, यहाँ से जो आपका जो बॉर्डर लगता है 2 से 5 घंटे में बॉर्डर क्रॉस कर लोगे आप। गाली नदी पड़ती है ना यहाँ पर, नदी के उस पर नेपाल, नदी के उस पर आपका इंडिया है, नदी से ही आपकी सीमाएं तय हुई। लग गया मम्मी, क्या बात है। दिस इज़ आवर सेकेंड पॉइंट जो कि एक रोपवे स्टेशन है, बट दिस वॉज क्लोज ड्यू टू कोविड सिचुएशन। हमारा दूसरा पॉइंट अभी बंद है, लॉकडाउन से बंद, मार्च से लॉकडाउन से बंद है, तो बस पॉइंट है, आगे देख लिया, पर देखने लायक तो कुछ है नहीं अभी। तो ये हो गए 2 पॉइंट, बाकी रह गए 5 पॉइंट। लेट्स सी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो रास्ते थे इतने नैरो थे कि बहुत ही मुश्किल से गाड़ी निकल रही थी, बिकॉज़ ये गाड़ी हमारी खुद की नहीं थी, ये प्रोफेशनल ड्राइवर्स थे जो नैनीताल में ही गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और उनकी गाड़ी भी बहुत छोटी वाली होती है, ऑल्टो वगैरह, ताकि वो अच्छे से ये गाड़ियाँ अच्छे से निकाल सकें ऐसे इतने डिफ़िकल्ट रास्तों से। तो उसका भी एक तरीके से मज़ा हमने लिया।
सो इट वॉज गुड डिसीजन कि आप गाड़ी हायर करो, क्योंकि वहाँ जो लोकल प्लेसेस होते हैं और जो लोकल वहाँ के लोग होते हैं वो आपको अच्छे से डिटेल में बता पाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जगह है देखने वाली. सो एंड इट वॉज नॉट वेरी मच कॉस्टली, इट वॉज 1500 फॉर 4 पीपल. तो हम 4 लोग ही थे तो हमारे लिए और भी ज़्यादा सही था वो इन्वेस्ट करना. एंड दिस इज आर थर्ड पॉइंट, जो 7 पॉइंट्स में से एक था, एंड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जिसमें आपको नैनीताल की लेक दिखती है और वो भी एज अ मैंगो की शेप में. वेरी ब्यूटीफुल एंड काम प्लेस. एंड दिस इज़ आवर 4th पॉइंट, जो देखने में बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, बट एज पर द ड्राइवर इसको एक सूखा ताल या ड्राई लेक के नाम से भी जानते हैं, जो 6 मंथ्स खाली रहता है और 6 मंथ्स इसमें पानी भर जाता है. एंड दिस इज़ आवर 5th पॉइंट. आई एम नॉट श्योर वट इज़ द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस प्लेस, बट ड्राइवर सेट इट इज़ कॉल्ड एज 12 पहाड़ियाँ. यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, बट एक्चुअल में यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक रोप क्लाइंबिंग और अदर एडवेंचर एक्टिविटीज. एंड दिस पॉइंट इज वेरी कॉमन, आप अगर पहाड़ों में जाओगे तो एक लवर्स पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा. बट अजीब बात क्या थी कि इसके ही आगे जो नेक्स्ट था वो था एक सुसाइड पॉइंट, जो कि बिल्कुल ही साथ साथ में थे. एंड दिस इज़ आर लास्ट पॉइंट, जो कि एक केव है जहाँ पे बहुत ही नेचुरल एसी की हवा आती है. येस, वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बोटिंग करते वक्त 3 लोग ही साथ में बैठ सकते हैं ड्यू टू कोविड. इससे पहले जब सिचुएशन नॉर्मल थी 4 लोग बैठ सकते थे. तो अगर आप नैनीताल जाते हैं और बोटिंग करना चाहते हैं तो इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखना. तो दिस इज़ द माल रोड, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है शॉपिंग करने के लिए, गर्म कपड़ों से लेके और शॉल और हर तरह की, मतलब आपको खाने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल था और शॉपिंग करने के लिए भी.
बट बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो वी कुडंट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सो हमको निकलना पड़ा. And this was our last day in Uttarakhand and the next day we had to return to Delhi. So yes, this was the time जब हमें निकलना था दिल्ली को और ये मौसी पंकज को पिठियाँ लगा रही है which is the पहाड़ी रिचुअल. आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो एंड इफ यू रियली डू देन प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.